यदि आप एक शिक्षक हैं या किसी कंपनी के मैनेजर हैं, तब आप अपने कर्मचारियों या अपने स्टूडेंट के साथ मीटिंग या क्लास करना चाहते हैं तो यह ऐप वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिसमें आप घर पर ही रह करके अपने कर्मचारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग या अपने स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन क्लास ऑर्गेनाइज या शेड्यूल कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में सिस्को वेबेक्स मीटिंग टाइप करेंगे, यहाँ आ चुका है, हम उसको ओके कर देते हैं। उसके पश्चात आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर सीधा ओपन पर क्लिक करता हूँ। ओपन करने पर स्क्रीन में इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है जिसमें इस ऐप में उपलब्ध सुविधाओं को यहाँ पर आप स्लाइड करके इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ अपने आप स्लाइड हो जाता है। तो नीचे यहाँ पर दो ऑप्शन हमको मिलते हैं, पहला है ज्वाइन मीटिंग, दूसरा है साइन इन। यदि आप डायरेक्ट मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करेंगे और मीटिंग आईडी और पासवर्ड इंटर करके मीटिंग ज्वाइन कर लेना है। और दूसरा ऑप्शन है साइन इन। साइन इन तभी हम कर पाएंगे जब इस ऐप में हमारा कोई अकाउंट हो, तो साइन अप पर हम क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने पर यहाँ पर इस प्रकार से पेज खुलता है जिसमें साइन अप फ्री इट्स क्विक ये मैसेज आपको दिखाई देता है। नो क्रेडिट कार्ड नीडेड, नो कमिटमेंट, आपको सीधे अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर मैंने अपना ईमेल इंटर कर लिया है, अब यहाँ पर हम साइन अप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना होता है जो कि डिवाइस लोकेशन के आधार पर ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहता है। इसके नीचे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप करना है, हमने टाइप कर लिया है, अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका न्यू अकाउंट इज़ रेडी इस प्रकार का मैसेज आपको स्क्रीन में दिखाई देने लगता है। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद हम इस एप्लीकेशन के मुख्य पेज में साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना ईमेल इंटर करेंगे, अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा साइट का ये URL आ गया है, उस पर हम लोग क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। और आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर करना है, हमने यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर लिया, उसके बाद ऊपर नेक्स्ट के बटन को हम क्लिक करेंगे। पासवर्ड इंटर करते ही आपको वेबेक्स मीटिंग ऐप की तरफ से आपको एक मेल प्राप्त होगा, तो इस प्रकार से मुझे प्राप्त हुआ है, सिस्को वेबेक्स टीम की तरफ से मेल प्राप्त हुआ है, उसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको यूजर नेम और वेबेक्स साइट का यहाँ पर URL दिखाई दे रहा है, तो अब हम यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। अब हमें ये चेंज पासवर्ड का पेज यहाँ पर खुल गया है, अब यहाँ पर हम नया पासवर्ड इंटर करेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर चुके हैं, अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है, अब उसके पश्चात आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट द साइट के नीचे आपको जो मिला है उसको हमको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपने जो नया पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसी पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करना है, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार से साइन इन प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है। अब हमारा पर्सनल मीटिंग रूम अनलॉक हो गया है जिसमें होस्ट का नाम, वीडियो एड्रेस और मीटिंग नंबर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपके पर्सनल रूम मीटिंग में यदि आप किसी को शामिल करना चाहते हैं, आप यहां पर तीन डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इन्फो पर क्लिक करेंगे। इन्फो पर क्लिक करने पर मीटिंग से संबंधित सभी जानकारियाँ स्पष्ट स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। इस मीटिंग के लिए किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो ऊपर शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। ऊपर दाईं ओर तीन लाइन का बटन है, उसको क्लिक करेंगे। यहाँ एक ही पार्टिसिपेंट केवल होस्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि साइन इन के बाद डायरेक्ट मीटिंग स्टार्ट हो गया था। अब हम बैक हो जाते हैं, यहाँ पर कैलेंडर को एक्सेस करने के लिए अलाउ पर क्लिक करते हैं। मीटिंग शेड्यूल करने के लिए आपको यहाँ पर दाईं ओर स्लाइड करना होगा इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है माय मीटिंग्स, मीटिंग शेड्यूल करना है तो यहाँ पर ऊपर दाईं ओर प्लस बटन पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर शेड्यूल मीटिंग करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे आपका नाम रहेगा और उसके नीचे पासवर्ड है, जिसे आप सो पासवर्ड पर टिक करके पासवर्ड देख सकते हैं। यहाँ पासवर्ड काफ़ी जटिल लग रहा है, यदि आप आसान पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पहले से इंटर्ड पासवर्ड को हम मिटा करके अपना नया पासवर्ड इंटर करेंगे। उसके नीचे आप जिसे भी इस मीटिंग के लिए इनवाइट करना चाहते हैं उनका ईमेल इंटर करेंगे। इसके नीचे मीटिंग किस डेट पर आप लेना चाहते हैं और किस समय पर लेना चाहते हैं, कितने समय के लिए लेना चाहते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार सेट कर लेंगे। हम यहाँ पर सेट कर लिए हैं। अब हम ऊपर स्क्रीन के दाईं ओर शेड्यूल बटन को क्लिक करते हैं। मीटिंग शेड्यूल हो रहा है। अब मीटिंग शेड्यूल हो चुका है। अब इनविटेशन ईमेल पर सेंड हो रहा है, इनविटेशन भी सेंड हो चुका है। यहाँ पर हमने जो जो मीटिंग शेड्यूल किए हैं वो यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। आज हमने कोई भी मीटिंग शेड्यूल नहीं किया है। हमने यहाँ पर 8 मई 2020 को हमने अभी भी मीटिंग शेड्यूल किया है। इस प्रकार से आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी आपको मीटिंग शेड्यूल करना है तो ऊपर प्लस बटन पर क्लिक करके आप अपना मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि आप एक मीटिंग किस प्रकार से लें या एक क्लास किस प्रकार से लें। बाईं ओर स्लाइड करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास स्टार्ट मीटिंग और जॉइन मीटिंग का ऑप्शन आ जाता है। और एक बार स्लाइड करेंगे आपने जो मीटिंग को आपने रिकॉर्डिंग किया है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा और यहाँ पर दिखाई देगा। मीटिंग किस प्रकार से लेना है, उस मीटिंग में क्या क्या फीचर है, उन सभी को जानना है तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट मीटिंग पर क्लिक करते हैं। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप मीटिंग आईडी और पासवर्ड उन सभी साथियों या बच्चों को शेयर कर दें जिससे कि समय पर मीटिंग को ज्वाइन कर लें। तो आप मीटिंग ले रहे हैं या क्लास ले रहे हैं तो आप होस्ट हैं तो आप यहां पर अपना माइक अनम्यूट करेंगे। इस मीटिंग में कितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं तो आप ऊपर स्क्रीन के दाईं ओर 3 बटन पर क्लिक करेंगे। यहां पर जितने पार्टिसिपेंट आपके क्लास में या मीटिंग में ज्वाइन है यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। अब उसके बाद है यहाँ माइक के बगल में वीडियो शेयर करने का ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट माय वीडियो पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आप जो भी बोलना चाहते हैं सामने में रहकर बोल सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप इस वीडियो को रोकना चाहते हैं तो स्टॉप माय वीडियो कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो शेयर के बगल में है 3 डॉट, उसको क्लिक करेंगे। साथियों यहाँ पर इस ऐप में बहुत अच्छा फीचर दिया है, एक है लॉक रूम। यहाँ पर इस फीचर की मदद से आप मीटिंग को लॉक भी कर सकते हैं ताकि अनवांटेड लोग यहाँ पर इस मीटिंग में ज्वाइन ना हो सकें। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये मीटिंग जो है वो लॉक हो गया। अब कोई भी आपके मीटिंग में ऑटोमेटिक ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। यदि कोई आपका मीटिंग आईडी और पासवर्ड इंटर करके मीटिंग में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन में ऊपर राइट साइड एक रेड बटन आ जाएगा और उसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कौन ज्वाइन होना चाहता है। यदि आप उनको जानते हैं अपने मीटिंग में एडमिट कर सकते हैं। इस प्रकार से उनको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमको एडमिट करना है इस मीटिंग के लिए, तो यहाँ पर एडमिट पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर पार्टिसिपेंट की संख्या 2 दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से एक सिक्योरिटी रीजन से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसी प्रकार से इस ऐप में और भी बहुत सारे फीचर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि चेंज ऑडियो कनेक्शन, टर्न ऑन स्पीकर, अनलॉक रूम, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, स्विच स्पीकर, माइक, क्रिएट शॉर्टकट, फाइंड डिवाइस, शेयर कंटेंट, चैट विथ एवरीवन, पोलिंग, ऑडियो ओनली मोड, इन्फो और सेटिंग। एक महत्वपूर्ण फीचर है शेयर कंटेंट, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम शेयर कंटेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है शेयर स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, बॉक्स, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और फोटो। शेयर स्क्रीन करने पर यहाँ पर एक मैसेज आता है कि विवेक्स मीटिंग विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट्स डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से मेरा स्क्रीन बाकी सभी पार्टिसिपेंट को शेयर हो रहा है। मैं जो अपने पार्टिसिपेंट को शेयर करना चाहता हूँ सब यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कंटेंट लिया है, एक जैसी आकृतियाँ मिलाओ, आकृति बाकी सभी पार्टिसिपेंट के स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप स्क्रीन शेयर के माध्यम से हर एक पॉइंट को डिटेल से बता सकते हैं।
यदि आप स्क्रीन में कुछ ड्रा करना चाहते हैं, आप यहाँ पर ऊपर दाईं ओर विवेक्स का लोगो लगा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्टॉप शेयरिंग और एनोटेशन। स्टॉप शेयरिंग स्टॉप करने के लिए है और एनोटेशन इस स्क्रीन में कुछ ड्रा करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर नीचे अब ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर एक पेंसिल की आकृति नीचे दिखाई दे रही है, उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है, एक पेंसिल और एक पेन। किसी भी माध्यम से आप स्क्रीन में ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कलर कर लेता हूँ हरा। अब यहाँ पर ड्रा करता हूँ, इस प्रकार से ड्रा कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम बता पा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। इस प्रकार से इस टूल की मदद से हम स्क्रीन में कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। दूसरा टेक्स्ट का ऑप्शन है, जिसमें आप कुछ भी टाइप करेंगे स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। यदि ड्रा करने में आपसे कहीं कोई गलती हो गया है, टेक्स्ट के बगल में इरेजर का ऑप्शन दिया गया है, जिस चीज़ को आप मिटाना चाहते हैं उसको प्रकार से गोल घेरा लगा देना है और वह मिट जाएगा। इरेजर के बगल में एरो का चिन्ह है, जिसे आप क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर टाइप करेंगे तो एरो का चिन्ह दिखाई देने लगेगा। यदि आप चाहते हैं कि इस स्क्रीन में बाकी पार्टिसिपेंट भी इस स्क्रीन पर कुछ ड्रा कर सकें, उसके लिए आप यहां पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहां पर ऑप्शन आता है लेट एनीवन अनोटेट। तो यहां पर इसको क्लिक करेंगे, बाकी सभी पार्टिसिपेंट भी इस पर ड्रा कर पाएंगे। इस प्रकार से स्क्रीन शेयर के माध्यम से होस्ट और पार्टिसिपेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और हर डिटेल को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। यदि यहाँ से बाहर होना चाहते हैं तो ऊपर लेफ्ट साइड तीर का चिन्ह पर क्लिक करेंगे, और यदि आप यहाँ पर इसको सेव करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर स्क्रीन शेयर को स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप शेयरिंग करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से आप इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग और ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।